वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? गाइस मेरी आँख भी नहीं खुली और मैं अभी अभी बेड से उठ के आया हूँ। तो गाइस आपको तो जैसे पता ही होगा कि आज है संडे और संडे हमारा हमेशा स्पेशल व्लॉग होता है। तो आपको क्या लगता है आज हमारा क्या स्पेशल व्लॉग है? तो चलो बता देता हूँ, बता दूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक के देखोगे। तो चलो आपको वीडियो को लास्ट तक के देखना है और जानना है आज का व्लॉग क्या है और कैसा होने वाला है। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन वीडियो को देख के भी आपको मजा आना चाहिए। तो मजा आने पे आपको क्या करना चाहिए? लाइक। तो फटाफट से कर देना लाइक। अब चलो, अभी कितना बज रहा है? 6। मम्मी जो है सुबह से उठ के खाना बना रही है। मम्मी करीब अभी आटा बेल रही है, रोटी बना रही है। तो खाना पैकिंग के साथ आप समझ सकते हो कि हम लोग थोड़ा दूर जाने वाले हैं और थोड़ा पिकनिक भी मनाएंगे। तो गाइस बनी रहेगा वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना है आपको इसी बात पे। तो अभी क्या है, मैं रेडी हो जाता हूँ, वरना इन लोग सब उठ जाएंगे तो फिर मेरे को ही मारेंगे कि तू इतना लेट क्यों उठा, लेट क्यों उठा। तो गाइस चलो जब हम निकलते हैं तब आपको दिखाते हैं, तो बनी रहिएगा वीडियो में। ये भाई ना, ए भाई तेको जाना नहीं है क्या? उठ ए ओए, उठ उठ उठ, कितना सोएगा, टक लगाएगा। एक तो ऐसी लेट से उठा है, तेरा हाथ ठंडा है ना, यहाँ मत छूना। छू क्या, अभी कितना ठंडा है, अभी अभी पता है, अभी बहुत टाइम है, थोड़ा बच्चे को ठंडी लग रही है। हाँ गाइस ये देखो बेबी को शरारा। तो गाइस मैं क्या बोल रहा था, जो धूप है ना, धूप रहती है तो अच्छे से वीडियो बनाने में भी मन करता है, एकदम मस्त माहौल रहता है ना बेबी। मैं क्या बोल रहा था कि थोड़े दिन में हम लोग निकलने वाले, बस बेबी रनु सब रेडी, मम्मी अभी रेडी हो रही है, तो अभी हम लोग बस निकलेंगे, कार से जा रहे अपन अपनी। मैं कितनी सुंदर लग रही हूं ना? नहीं छी 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 छी, ओ मैं सब गंदे हैं, मैं अच्छी हूं, चल निकल, अपना घटिया चेहरा मत दिखा। मैं अच्छा दिख रहा हूं, ज्यादा बात मत करो। तो गाइस खाना वाना सब पैक हो चुके हैं, पानी बॉटल भी हो गए हैं। मार क्यों रही है इतना जोर से? मार रही है नहीं, बट उसके लिए मैं नीचे कर रहा हूं। बनाया गया है ना सुंदर सा, खाना बस बना है, आपको बहुत पसंद है ना मेरी प्यारी, खाना बस बना है ना गाइस। नाउ गाइस हम लोग सब बैठ चुके हैं कार में और बस अभी हम लोग निकल चुके हैं, निकल गए समझ लो घर से। अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप, कार की टंकी करते फुल, फिर निकलते हैं एक लंबे सफर में। तो मजा आने वाला है बहुत, इसलिए आप वीडियो को एंड तक के देखना मत भूलना, वीडियो को लास्ट में छोड़ के मत जाना, और अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक भी कर देना। तभी हम लोग पहुंच चुके हैं एकता द्वार घड़ी चौक, और यहाँ से हम लोग को जाना है पुलगांव चौक। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा राइट, और देख सकते हो आप। तो गाइज वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हम लोग पूरे रास्ते का आपको डिटेल देने वाले हैं और डिटेल के सहित हम लोग आपको वहां तक पहुंचाने वाले, तो जिससे कि आप भी वहां जा सकते हैं जैसे हम जा रहे हैं। तो ये दुर्ग से जो हम जा रहे हैं करीब 70-80 किलोमीटर है और हम लोग वहां जाएंगे। तो गाइज बनी रहेगा वीडियो में। तो सिग्नल लाइट हो चुकी है ग्रीन, और ये देखो एक बार बोर्ड पढ़ लो आप। इससे आपको पता चल जाएगा पुलगांव चौक किस साइड है। गाइज इसके ये आ गया है पुल, और अब आने वाला है पुलगांव चौक। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुलगांव चौक, और पुलगांव चौक से हमें जाना है राइट, और राइट से हम लोग पहुंच जाएंगे नदी रोड में। आ चुका है नदी का ब्रिज, अब हम चढ़ चुके हैं, अब बस हमें जाना है हाईवे। तो गाइज ये हम लोग पहुंच चुके शिवनाथ नदी। तो गाइज हमारे शिवनाथ नदी पे बहुत सारे वीडियो है, तो गो एंड चेक आउट इन माय चैनल, फटाफट से देख लेना उसे भी। तो ये रहा हाईवे, अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे, ये MG रोड हाईवे है, और हम लोग दूर से एग्जिट हो चुके हैं और हम लोग चढ़ चुके हैं हाईवे में, जो
जैसे आप देख पा रहे हैं बोर्ड में पढ़ सकते हैं, नागपुर और राजनांदगांव का रोड है ये हाईवे। और क्या ही स्मूथ चल रही है गाड़ी एकदम सनान, देख लो एक बार। हाँ हाँ यार हाँ, जब हम लोग बुलेट में आए थे ना गाइस, जब हम लोग बुलेट में आए थे तब ना इसमें ना जब ये नया नया बना था तब इसमें गाड़ी चल गई थी, तो इसके वजह से रोड खराब हो गया था, लेकिन अभी मस्त नया बन गया। गाइस एक बार देखो आप कैसी चल रही है गाड़ी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इसमें स्पीड भी एकदम सलाम, हवाई जहाज एरोप्लेन चल रही है ऐसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना। क्या मस्त रोड है ये, घर तक भी ऐसा रोड आ जाए तो मैं साइकिल दौड़ाने में भी मजा आएगा मेरे को। डेवलप में है यार छत्तीसगढ़ हमारा, मजाक है क्या? हाँ डेवलप में ही है, वो बन जाएगा तो एक नंबर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ बढ़िया डेवलप होने वाला है, अब कंपेयरिंग नहीं है उसका फिर, अब छत्तीसगढ़ या जर्क बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। हाँ एक बार सभी कमेंट में लिख देना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, जय जोहार जय किसान। लेकिन हमें हड़बड़ी नहीं है, चाहे रोड कितना भी अच्छा हो हम लोग जाएंगे मस्त एकदम मस्ती में। दोस्तों जैसा कि हमारा भी छत्तीसगढ़ जो है पोल्यूशन फ्री होने जा रहा है, देख सकते हैं। तो तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं टोल प्लाजा, और टोल प्लाजा हमसे कुछ ही मीटर की दूरी पे है। तो एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम लोग टोल प्लाजा पे टोल देके और हम लोग अपनी यात्रा पे निकल जाएंगे। गाइस अभी हम लोग थोड़ी अच्छी लोकेशन में रुके थे मस्त सुंदर सी, थोड़ा वीडियो शूट करने, तो रनू अपना इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी और थोड़ा फोटो शूट भी हो गया हमारे। तुम कहाँ चढ़ रही हो ऐसे? हाय बेबी, तेरी एक फोटो लूं ऐसी? बेबी का एक मस्त वाला इंस्टाग्राम में वीडियो बनाया हम लोग, तो उस रील को देखना जरूर। हाँ ब्लू लेस लेना यार मेरे को भी, तो उसका इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो फटाफट से जाके चेक कर देना उसको भी और लाइक भी कर देना। तो पापा हमारे लिए चिप्स विप्स ला रहे, थोड़ा खा लेते आ जाए मस्ती से। गाइस इसलिए हम लोग खा रहे चिप्स और थोड़ा इंजॉय करते हैं चिप्स खाते हुए, तो दे दो भैया सबको चिप्स। पापा बोल रहे हैं कि गाड़ी में कोई कचरा नहीं करेगा तो ध्यान रखना, नहीं फैलाएगा बता दे रहा हूँ। हाँ समझ गए ना बेबी, स्पेशली यू जो कचरा फैलाएगा उसे साफ कराऊंगा, वो भी घर जाके नहीं यहीं तुरंत। वो एक वीडियो निकला था इंस्टाग्राम पे, जैसे गाड़ी पे बैठते समय अगर कार में उसका पैर वैर लग जाता है स्क्रैच आता है तो उसका सर पकड़ के उसमें रगड़ने लगता है, नया वीडियो आया था ऐसा। बस 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 वही हाल है हमारा, समझ लो। हाँ तो चलो चिप्स खाते हैं। स्वच्छ अभियान है भैया, देखो हमारे पास स्वच्छ भारत अभियान का डब्बा भी, हुंडई ये देखो स्वच्छ स्वच्छ कैम लिखा है यहाँ पे, हुंडई का स्वच्छ भी लिखा है यहाँ पे। ये पहुँच चुके हैं अपन राजनांदगांव, और राजनांदगांव के बाईपास वाले ब्रिज में अपन चल रहे अभी, और ये रहा हनुमान मंदिर। ये ब्रिज ना ऊपर नीचे था जो, हाँ ऊपर नीचे ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे, थोड़े थोड़े देर में इसका ब्रिज नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऐसे लहराते रहते हैं, मस्त है यहाँ का ब्रिज। नीचे सिटी है इसलिए, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, हनुमान जी का मंदिर। राजनांदगांव के बाहर होते हुए हम लोग राजनांदगांव पार कर देंगे, और इस ब्रिज से हम लोग राजनांदगांव के आउटर में। हाँ बोर्ड पे देखा होगा आपने, नागपुर यहाँ से 212 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से आप नागपुर भी जा सकते हैं, नागपुर हाईवे है ये, नागपुर मुंबई जयपुर जहाँ जाना है आपको इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। राजनांदगांव से आप बहुत जगह जा सकते हो। अब हम लोग ब्रिज के अपर में हैं, हाइट में आ चुके हैं, अब ये ब्रिज देखना डाउन जाएगा फिर हमको सामने दिखेगा कि ब्रिज ऊपर जा रहा है, फिर डाउन जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा देखना आप राजनांदगांव का सबसे बड़ा ब्रिज। और ऐसा हमारे दुर्ग में बन रहा है ना भिलाई में, और अपना मतलब सुपेला आकाश गंगा से फिर
पूरा रायपुर तक। हाँ तो वो आपको देखा होगा, अभी देखो देखो ये देखो ये ब्रिज जा रहा है डाउन, ऐसा बनाया गया इस ब्रिज को। तो मैं आपको बताता हूँ इस ब्रिज को ऐसा क्यों बनाया गया है, क्या है ना बीच में हम लोग पिलर नहीं जा सकते, तो इस ब्रिज को ना जमीन पे कर दिया, फिर ये वापस उठा देगा क्योंकि तो नीचे यहाँ पे होगा दुकानें वगैरह। अब ये ब्रिज पे अपन वापस हाइट में आ गए, फिर अब ये थोड़ी देर बाद डाउन जाएगा। लो गाइस अब ये डाउन भी जा रहे हैं, मस्त है यार यहाँ का। अगर यहाँ पे ड्रोन शॉट ले तो आप सोचो ब्रिज क्या जबरदस्त दिखेगा, और अगर हम लोग ड्रोन को अपने कार के पीछे फॉलो करते हुए ले तो क्या ही व्यू आएगा ना, मैं क्या बताऊं। ड्रोन भी आएगा। ये राजनांदगांव का बड़ा वाला स्टेडियम है, यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी होते हैं जो बाहर से स्टेट से आते हैं। राजनांदगांव में भी बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो अपन एक दिन उसका भी डिटेल वीडियो बनाएंगे। तुमड़ी बोर्ड के नेशनल हाईवे से अपन नीचे आ चुके हैं, और नीचे यहाँ पे देख पा रहे हो अभी हम लोग इस रोड में मुड़ रहे हैं लेफ्ट। हम लोग जाएंगे अभी बस्ती के अंदर, चाय तो अपन पी के निकले थे घर से इसलिए अभी नहीं पीना। यहाँ पे जो है 2000 सीढ़ी है माता बम्बलेश्वरी मंदिर जाने के लिए, पहाड़ पे चढ़ने के लिए। और आप अगर अपने सुविधा से रोप वे भी ले सकते हैं, यहाँ पे नया अभी रोप वे भी बना है, तो हम लोग तो रोप वे से ही जाने वाले हैं।
अब धीरे धीरे हम लोग पहाड़ के पास आ रहे हैं गाइस। अभी हम लोग पहाड़ के पास रुकेंगे तो थोड़ा मस्ती करेंगे। पहाड़ है कि टॉप में चढ़ जाएगी तो क्लाइंबर बन जाएगी बेबी, फिर देखो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड देंगे। हाँ बेबी, रेड कपड़ा भी पहनी है ना तू, वुमेन स्पाइडरमैन। यहाँ पे जस्ट इसके पास पेट्रोल पंप भी है तो हमें तो पेट्रोल टंकी फुल करके आए थे अपन। और पहाड़ सब बड़ा दिख रहा है गाइस, मजा आ रहा है। हाँ ये बस हमारे साथ साथ आई है पूरी, ये डोंगरगढ़ के लिए जाती है। तो गाइस कार हमारी पार्क हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे बाहर क्योंकि थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, आपको भी दिखाएंगे थोड़ा सा बाहर उतर के। ए बी कैसी लग रही हो आज तुम, तो यहाँ पहाड़ में तो और भी खूबसूरत लग रही हो। ये देखो अब हम लोग थोड़ा पहाड़ क्लाइंबिंग करते हैं। चलो चलो बॉटल में निशाना मार के देखेंगे, चेक करेंगे ये रहा बॉटल। गाइस इस बॉटल को इसके ऊपर रख देते हैं और देखते हैं कौन इस बॉटल को मार पाता है। वाओ गाइस ये तो सीमेंट का है। ये देखो हमारा बॉटल यहाँ स्टैंड हो गया है, पहले पाप को मारेंगे बॉटल को। देखो चीटिंग है, चीटिंग है। वाह पापा, ये तो बॉटल हमें से ही गिर गई। इसके अंदर कुछ भरना पड़ेगा वजन जिससे गिरे ना जल्दी। मिट्टी पत्थर गिर दो, भर दो। अब मैं मार के देखता हूँ। मम्मी 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 ने बॉटल को गिरा दिया। वाओ पापा निशाने, आपने कभी कंची नहीं खेला क्या अपने बचपन में? वाह लाल लाल लाल, वाह इतना बड़ा पत्थर यूज किया, कितना बड़ा पत्थर से मारे हो, चीटिंग करते। इससे अच्छा यहीं पे ऐसे करके गिरा देते, फूक मारते। चलो अब हम लोग पहाड़ पे चढ़ेंगे। उधर कांटे हैं, ध्यान से कांटे ना लगे, कांटे भी। गाइस हमको उधर से जाना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ेंगे ना वहाँ पे जाना है हमको। तो गाइस हमारा ये टास्क है कि हमको यहाँ से चढ़ के वहाँ पे जाना है। तो कोई भी जाए कैसे भी जाए हमको ही पता। गिर जाइए आराम से आराम से, ऊपर से चढ़ गया मैं इतना बस। आराम से कैसा लग रहा रन्नो? गाइस एक बार आप ऊपर से देख सकते हो पहाड़ से क्या मस्त व्यू आ रहा है। अभी तो ये बहुत छोटा पहाड़ चढ़ा है हमने, हमें जाना है माता बम्लेश्वरी मैया के पहाड़ में चढ़ना है और वहां से आपको व्यू दिखाना है क्या दिखता है वहां का नजारा। गाइस इतने सुंदर व्यू के लिए और इतना सुंदर बढ़िया वीडियो के लिए एक बार तो लाइक जरूर बनता है, तो फटाफट से
वीडियो को कर दो लाइक, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम लोग आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। और हाँ, चैनल पे न्यू तो कर दो सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि हम लोग बनाते हैं इंटरेस्टिंग क्वालिटी वीडियो। हमारी बहन अभी वीडियो बनाने के लिए मेरे को मोबाइल थमा दी इंस्टाग्राम में वीडियो। गाइस रॉक क्लाइंबिंग भी हो गई, अब हम लोग जा रहे नीचे, मम्मी क्योंकि अकेले है। अब हम लोग जा रहे उस तरफ, वो देखो वहां पे बड़ा वाला पहाड़ है, तो चलो दौड़ते हैं यहाँ से। मेरे को छोड़ के भाग गए रन्नू पांडे पगली, अपना अकेले वहां पे वीडियो बना रही है। गाइस हम लोग यहाँ पहुंचे सबसे पहले थे, हमारी कार सबसे फर्स्ट में थी, लेकिन हमारे पीछे पीछे हम लोग यहाँ रुक गए, तो बहुत सारी कार जा चुकी है, क्या पता वहाँ भीड़ भी हो सकती है, तो हम इसलिए जल्दी से यहाँ निकलते हैं। और बहुत ही मजा आया यहाँ पे भी, अभी तो हमको पहाड़ में भी जा रहे हैं। ना यार, बैठो 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 बैठो। गाइस ये बीच में पहाड़ है ना, वो है वहाँ पे दिख रहा है माता रानी का मंदिर बम्बेश्वरी मैया। हम लोग तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग ज्यादा लंबा ना हो जाए, और ब्लॉग को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पार्ट में, तो गाइस दूसरे पार्ट को देखना मत भूलिएगा जो जल्दी आएगा, पहले इस पार्ट को एंजॉय कर लो और ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए गुड बाय और जय माता दी। एक बार सभी कमेंट में कर देना और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो इस ब्लॉग को हम लोग दूसरे ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। Continue in next vlog. ये रही माता रानी जी, अब बस हमारे भी दर्शन होने वाले हैं।